कुछ अरसा पहले तक पारंपरिक कृषि का बोलबाला था। किसान बैलों के साथ कृषि करते थे और लगभग हर घर में बैल पालने का रिवाज था। बदलते समय के साथ पारंपरिक कृषि में आधुनिक तकनीक के रंग घुलने लगे। हर बैल के स्थान पर ट्रैक्टर व अन्य यंत्रों का उपयोग होने लगा। खेतों से बैलों का रिश्ता टूटने लगा। कृषि कार्यों में मशीनीकरण का महत्व बढ़ गया है। कृषि यंत्रों का प्रयोग करने से किसान अपना कार्य कम मेहनत और कम समय में निपटा लेते हैं। जो कार्य एक जोड़ी हल बैल से पूरे दिन में किया जाता है, उसे एक ट्रैक्टर द्वारा लगभग 1 घंटे से भी कम समय में कर लिया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार कृषि के मशीनीकरण का अर्थ भूमि पर संपन्न होने वाली खेतीबाड़ी की उन गतिविधियों से है जिनमें तमाम क्रियाओं में यांत्रिक शक्ति प्रयोग की जाती है। पहले इन सभी क्रियाओं में मानव और पशु श्रम सम्मिलित होता था। सर्वविदित है कि कृषि यंत्रों तथा उपकरणों का मूल्य अधिक होता है, इसलिए कई बार गरीब किसान इन उपकरणों को नहीं खरीद पाते। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग के माध्यम से विभिन्न कृषि यंत्रों तथा उपकरणों का अनुदान दिया जा रहा है, ताकि गरीब किसानों को किसी तरह की कठिनाई ना हो और वह अपनी खेतीबाड़ी में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से वंचित ना रहे। 20 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की खरीद पर सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति व महिला कृषकों को 50% अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए की, जबकि 8 से 20 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर 50% या 2,25,000 रुपए की राशि तक उपदान देने का प्रावधान है। जिला कांगड़ा में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 206 किसानों को 595,50,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई। 8 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता के पावर टिलर पर 50% अथवा अधिकतम 85,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के गत वित्त वर्ष में 4 किसानों को 3,40,000 रुपए का उपदान दिया गया। एनके धीमान, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नॉर्थ जोन धर्मशाला, बताना चाहूंगा कि जो आजकल का जो हमारा कृषि क्षेत्र में जो मशीनीकरण का जो युग है, उसकी क्यों महत्वता है। क्योंकि आने वाले समय में या वर्तमान में भी जो हमारा कृषि क्षेत्र में जो फार्म लेबर का बहुत बड़ा एक इश्यू रहा है, तो उस इश्यू को एड्रेस करने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 2 सालों से जो है वो मशीनीकरण के ऊपर काफी जोर दिया है। अगर मैं जिला कांगड़ा की बात करूंगा तो वर्ष 2019-20 में जो है वो जिला कांगड़ा में जो है वो लगभग हमारे 36,000 किसानों को जो है वो मशीनीकरण का जो है वो फायदा उन्होंने उठाया है, और उसके एवज में जो है लगभग जो है वो 12 करोड़ रुपए का जो अनुदान है इस मशीनीकरण के लिए ऊपर जो है वो जिला कांगड़ के किसानों को दिया गया है। इसमें बहुत सारी योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार की और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो चलाई गई है। जैसे हमारे स्वाम है, RKYP है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इन सारी स्कीम जो योजनाएं हैं इनके अंदर जो है मशीनीकरण के लिए जो है वो प्रावधान किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा जिला कांगड़ा का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो है हमारे 20 हाउस पावर से लेकर 40 हाउस पावर तक के जो ट्रैक्टर्स है उसके ऊपर जो है वो लगभग 3 लाख रुपए जो है वो मैक्सिमम और 50% जो हमारा अनुदान है इसके ऊपर ट्रैक्टर्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। जो हमारा ऊपर वाला क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्र जिसको बोलते हैं उसमें जो हमारे छोटे जो ट्रैक्टर्स है जो 8 हॉर्स पावर से लेकर 20 हॉर्स पावर तक लगते हैं उसमें 2.25 लाख रुपए की सब्सिडी है। ऐसे ही हमारे जो पावर बीडर्स है पावर बीडर्स के ऊपर जो है वो हमारा 25,000 रुपए जो है वो सब्सिडी देते हैं। टिलर्स हैं उसके ऊपर 85,000 रुपए की सब्सिडी। ऐसे बहुत सारे जो हमारे और अन्य कृषि जो हमारे उपकरण है उनके ऊपर जो है वो सभी के ऊपर 50% जो है वो अनुदान दिया जाता है। उसमें चाहे किसान सामान्य श्रेणी से हो, उसमें महिला वर्ग हो, उसमें चाहे वो अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति का किसी भी किस्म के वर्ग के लिए जो किसान है उसके लिए इस योजना का जो है वो फायदा उठा सकता है। और इसी को देखते हुए जो है वो इस वित्तीय वर्ष में भी सरकार द्वारा जो है इस योजना को जो है वो चालू रखा है, ताकि हमारा जो किसान है जो जो फार्म लेबर का जो एक बहुत बड़ा इशू है उससे दूर हट करके जो है वो किसानी की तरफ जो अग्रसर हो। एक किसान हूँ और मेरे बैल 5 साल पहले मर गए
और जिसकी वजह से मुझे खेती में दिक्कत होने लगी। फिर 2 साल तक मैंने किसी का ट्रैक्टर किराए पे लेके अपने खेत जोते, जिसमें मुझे थोड़ा महंगा साबित हुआ और मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी ये ट्रैक्टर खरीद लूं। लेकिन जब मैंने इसकी कीमत पूछी तो मुझे बहुत महंगा लगा, जो मेरी पहुंच से बाहर था। और तब मेरे किसी सज्जन ने बोला कि सरकार इस पे थोड़ी सब्सिडी भी देती है। फिर जब मैंने जानकारी ली ब्लॉक में जाके, तो उन्होंने मेरे को बोला कि 50% सब्सिडी हम आपको दे देंगे। फिर मुझे इच्छा हुई कि चलो इतना तो हम थोड़ा अपना योगदान, थोड़ा सरकार के योगदान से खरीद सकते हैं। तो इसकी कीमत मुझे 80,000 में ये मिला है, और जिसका 50% मेरे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सब्सिडी के रूप में वापस दे दिया है। तो इससे मुझे अभी खेती करने में आसानी हो रही है, और अपनी भी खेती करता हूँ, प्लस अपने ताए चाचे के भी खेत जोत के 10-15 हज़ार रुपया कमा भी लेता हूँ। तो इससे अब मुझे बहुत सुविधा हो रही है, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैंने 2 साल पहले पावर टेलर लिया है, मुझे इसमें 25,000 सब्सिडी मिली है कृषि विभाग द्वारा। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत आभारी हूँ। इसमें हमारे को बैलों से समय में हम इसमें जो है काम कर पाते हैं।